इशारे मोहम्मद का वफादार है। सुनिएगा, इस कदर सज्जाद के फुकों की हैबत हो गई जिस्म से दरवाजों के रुखसत हो गए। इस कदर सज्जाद के फुकों की हैबत हो गई जिस्म से दरबारियों के रूह रुखसत हो गई। पाकिस्तान के जल्लाद ने कहा था कि चौथे इमाम ने जनाब मुख्तार की हिमायत की। कैसे हिमायत की मैं बता रहा, कैसे हिमायत की मैं बता रहा। इस कदर सज्जाद के फुकों की हैबत हो गई जिस्म से दरबारियों के रूह रुखसत हो गई। हुरमुला का सज्जो देखा मुस्कुरा उठे इमाम। सऊदी के काने ने ये फतवा दिया था कि ये जो आले मोहम्मद के दम में आग पर चलते हैं और अपना खून बहाते हैं ये लोग अभी से सजा पाते हैं और यही हाल इनका होगा मैशर में। इसीलिए ऐसा करते हुए किसी को देखना भी हराम। उसने ये फतवा दिया था, यूट्यूब पे मौजूद है, सब सोशल मीडिया का बनाना है, सब सुनते रहते हैं। अब उसके फतवे का मैंने जो अंजाम किया है उस काने के फतवे का वो देखिए, मैं आले मोहम्मद के हक में बोल रहा हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। फुरमुला का सर जो देखा मुस्कुरा उठे इमाम, आखिरी शेर जहर तमाम, सऊदी के उस काने के खतरे का जो मैंने अंजाम दिया। फुरमुला का सर जो देखा मुस्कुरा उठे इमाम, मकसद मुख्तार को हासिल हिमायत हो गई। मकसद मुख्तार को हासिल हिमायत हो गई। आशिके अहले सकीफा को भी मुहब्बत दे दिया, जाकिर शबीर से कितनी अदावत हो गई। खून टपका जिस जमीन पर मातमे जंजीर का। बोलने वाले हक बोलने वाले को जवाब देना बहुत जरूरी है। जितना हम खामोश रहेंगे आले मोहम्मद के खिलाफ उतना बोलेंगे। सुनते रहिए, खून टपका जिस जमीन पर मातमे जंजीर का, उस जमीन में दफन हर फतवे की नहीं है। कह दो
वो जाएं जाके हिंदा की आगोश में।